आज हम जा रहे हैं पोहा बनाने, ठीक है? तो आप रेसिपी एंजॉय करिए और बनाइएगा। और इसमें क्या क्या लगेगा? प्याज, टमाटर, थोड़े से मूंगफली, क्योंकि हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं अपने लिए। ये है कड़ी पत्ता, ये है मिर्चा, ये जीरा, हम जीरा भी डालते हैं, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए। ये है नींबू, थोड़ा सा चीनी, सरसों, और ये है चना दाल, ठीक है? ये कढ़ाई और ये पोहा हम भिगो के रखे हैं अभी, मतलब धो के रखे हैं। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम मिर्च डालेंगे, फिर कड़ी पत्ता, मूंगफली हम पहले से भून के रखे हैं, फिर जीरा, जीरा हमें अच्छा लगता है तो हम डालते हैं, खाने में स्वाद आता है। ये दाल, दाल ये है सरसों दाना, कमेंट करिए, हम आपके लिए लेकर आएंगे। गर्मी हो रही है, देखते हैं जब कहीं भी किसी भी चीज़ में आप टमाटर डालें उसके बाद नमक ज़रूर डालें, तो नमक गल जाते हैं। हर पता नमक डाल दें आप तो गल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। जो आपको अच्छा लगे होगा करते हैं, सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करें। दाल भी डालेंगे थोड़ा सा, और इसमें जो पोहा है अपना पोहा डालेंगे। तो आपके हिसाब से हम नमक डालेंगे, पहले भी हम नमक डाल चुके हैं ध्यान रखते हुए। इसको बैलेंस में बनाने के लिए इसमें थोड़ा हल्का सा चीनी डालेंगे, नींबू डाल देंगे, खिला खिला बनाया है।